लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्पोरेट व्हील का मीनिंग, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील किस किस सर्कमस्टेंसेज में हो सकती है, फिर कुछ जो जुडिशियल डिसीजंस थे इससे रिलेटेड वो देखेंगे, और फिर कब कब परमिशिबल है कि हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं या पियर्स कर सकते हैं। सो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी सेग्रीगेट्स इनसाइडर्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो प्रिंसिपल है वो किसी भी एंटिटी के इनसाइडर्स को आउटसाइडर्स से अलग करती है। इट क्रिएट्स ए कॉर्पोरेट व्हील बिटवीन देम। वो क्या करती है, कॉर्पोरेट व्हील क्रिएट करती है जो कि फिक्शनल है कि हाँ तुम अलग हो हम अलग हैं, बीच में हमारे कॉर्पोरेट व्हील है। ओनली ए कंपनी इज लाइबल फॉर द एक्ट डन इन द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नाम पे जो जो काम किए गए हैं उसके लिए कंपनी ही लाइबल होगी, ना ही तो मेंबर्स, ना ही डायरेक्टर और ना ही कोई अलग ऑफिसर। नाउ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कब कब हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन 3A सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में, 25 251 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, और कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जो कि हम केस लॉज अभी रेफर करते हैं उसके हिसाब से भी हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए जो कि हमें सिर दिनसो मानक जी पैटीट में देखा था, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट में जो कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न में देखा था, अवॉइडेंस ऑफ वॉलफेयर लेजिस्लेशन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, ये सारे के सारे कोर्ट के जजमेंट्स थे जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी हो सकता है इन रीजन से। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो कि डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड में देखा था। ना कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना कब कब परमिसिबल है, परमिटेड बाय स्टैट्यू हो कि हमें लॉ ने परमिट कर रखा हो, क्लियर एविडेंस हो अब्यूज़ के, या कोर्ट की डिस्क्रिशन हो कि हाँ इस टाइम पे हमें कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करनी चाहिए। सो बेसिक सी कॉर्पोरेट व्हील होता क्या, जैसे ये कंपनी है, मेंबर्स हो गए, की पर्सन्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, और ये बीच में कंपनी का नाम है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, मान के चलो कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि अपने मेंबर्स को आउटसाइडर्स से अलग करती है। बीच में कोई भी जो भी काम होगा वो इसके नाम पे होगा तो आउटसाइडर्स इस पे केस कर सकते हैं ना कि मेंबर्स पे, बट लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कि वो इस कॉर्पोरेट व्हील को पियर्स कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट इन पे केस कर सकते हैं, या फिर इस कॉर्पोरेट व्हील को उठाया जा सकता है लिफ्ट करके भी वो इन पे डायरेक्ट केस कर सकते हैं, तो वो केसेस जो भी होंगे वो इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने और पियर्सिंग करने के केस में इंक्लूडेड हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके।